मनुष्य हमेशा से ही कुछ नया सोचना और करना चाहता है, भले ही वो अपने कार्य को पूरा न कर पाए और असमर्थ हो, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश और निरंतर कोशिश करता रहता है। इसी खूबी से हम तब से लेकर अब तक इतने होशियार बन चुके हैं और ये सफ़र आगे भी जारी रहने वाला है। इसी सफ़र में अंतरिक्ष भी मानव सभ्यता का एक पड़ाव है। आज से करीब 1000 साल पहले इंसान यही समझते थे कि जीवन सिर्फ समुद्र के किनारे तक ही सीमित है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इंसान द्वारा पृथ्वी पर कई भ्रमण हुए और फिर समझ में आया कि समुद्र के छोर के पार भी लोग रहते हैं। थोड़ा और समय बीतने के बाद इंसान ये समझ चुका था कि हमारी पृथ्वी गोल है और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जो भगवान द्वारा सिर्फ इंसान के लिए बनाई गई है। इस वक्त का मनुष्य ये समझता था कि आकाश में तारों से लेकर सूर्य तक ये सब भगवान ही हैं और इन्हीं के द्वारा हमारी पृथ्वी और हमारा निर्माण किया गया है। अब ये तो पता नहीं कि प्रकृति द्वारा हमारा निर्माण किया गया है, लेकिन इतना तो सत्य है कि प्रकृति द्वारा ही हमारा वजूद है। उस वक्त इस विषय पर कोई सवाल उठाता तो उसके साथ कुछ लोग बहुत बुरा व्यवहार करते, लेकिन समय के साथ साथ इंसान को समझ आने लगा था कि आकाश पर उन्हें और पढ़ाई करनी होगी। लोग रहस्यमय ब्रह्मांड पर ध्यान देने लगे थे, समझने लगे थे, और उन्हीं व्यक्तियों में से एक था गैलीलियो गैलीलियाई। गैलीलियो ने उस वक्त की सबसे दूर देखी जाने वाली दूरबीन का आविष्कार किया। अपने आविष्कार के बाद गैलीलियो ने रात में आसमान का निरीक्षण शुरू कर दिया। अपनी दूरबीन से गैलीलियो बृहस्पति ग्रह को काफ़ी नज़दीक से देख पा रहे थे। उन्होंने बृहस्पति के चार चंद्रमाओं की खोज की और ये भी बताया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह बराबर नहीं है। गैलीलियो ने ही हमारे सौरमंडल की असल में खोज की और बताया कि पृथ्वी और बाकी के ग्रह सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि वो सोलर सिस्टम को देख सकते थे। अपनी इन्हीं खोजों के कारण गैलीलियो उस जगह पर काफ़ी फेमस भी हो चुके थे। गैलीलियो की इस बात, इस सोच का जब कैथेड चर्च को पता चला तो उन्होंने इसे ईसाई धर्म के खिलाफ माना और गैलीलियो को आजीवन कारावास में डाल दिया। उसके बाद भी गैलीलियो ने थ्योरेटिकल कई सिद्धांत, कई नियम बनाए। जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से शुरुआत हुई ब्रह्मांड को देखने की, ब्रह्मांड को समझने की। तो ये थी दूरबीन की शुरुआती स्टोरी। मौजूदा समय में हमारे पास ऐसे ऐसे टेलीस्कोप हैं जिससे हम न सिर्फ अपने सौर मंडल बल्कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें से हबल सबसे आधुनिक और सफल दूरबीन है। हबल का निर्माण कैसे हुआ, हबल की खूबी क्या है, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।